डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के कण। 10वीं क्लास की ये पोइम है और बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत बेहतरीन कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और नेचर का इनको अच्छा नॉलेज है। तो डस्ट ऑफ स्नो के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, समरी के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी काम आ सकते हैं। पहला, जैसे आपको पूछे कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोइम, एक छोटी सुंदर कविता है जो किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें अपन। दिस पोइम टेल्स, ये कविता बताती है, दिस पोइम टेल्स ये बताती है, ए सिंपल मोमेंट, एक छोटा सा, एक सामान्य साधारण मोमेंट क्षण, हैज रखता है लार्ज सिग्निफिकेंस, बड़ा महत्व। साधारण क्षण भी, साधारण समय, साधारण जो क्षण होता है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, यानी कि छोटी घटना भी हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। स्मॉल थिंग्स कैन चेंज आवर लाइफ। तीसरा पॉइंट है इसका, द पोइट हैज मेंशनड, कवि ने मेंशन किया है, जिक्र किया है एक कौवे का और एक हेमलक ट्री, दोनों ही नेगेटिव के प्रतीक हैं, क्योंकि कौवा काला होता है, हेमलक ट्री जहरीला होता है। हेमलक को बोलते हैं धतूरे का पेड़, धतूरा क्रो जानते हो ही आप। तो इस कविता के अंदर कवि ने कौवे का और हेमलक के पेड़ का वर्णन किया है या जिक्र किया है। क्रो जो कौवा है, सिग्निफाइज ये बताता है डिप्रेसिव यानी तनाव, एंड सोरोफुल और दुखी, उदासी भरा मूड दशा। ये उस कवि की जो डिप्रेसिव हालत है, जो वो दुखी हो रहा है, जो उदासी वाले मूड में है, उसको शो करता है क्रो। एंड हेमलक ट्री, और जो धतूरे का पेड़ है वो कैसा होता है, पॉइजनस ट्री यानी कि जहरीला पेड़। अब आपका यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि व्हाट डज द क्रो सिग्निफाई, इस कविता में जो कौवा है वो किस बात को सिग्निफाई करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये उसके डिप्रेसिव मूड को सिग्निफाई करता है, डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड, डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड किसका, कवि का। तो क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। हेमलक ट्री क्या होता है, हेमलक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, धतूरे का पेड़ एक जहरीला पेड़ होता है। आगे है बोथ, दोनों कौवा और वो धतूरे का पेड़, सिग्निफाई बताते हैं, दर्शाते हैं दैट कि द पोइट वाज नॉट इन ए गुड मूड, कि जो कवि है वो अच्छे मूड में नहीं है। ठीक है, सो ही डिस्क्राइब्स, इसलिए वो वर्णन करता है, डार्क अंधेरे, डिप्रेसिव यानी तनाव से युक्त, बिटर कटु, साइड यानी स्थिति, नेचर प्रकृति की, इसलिए वो प्रकृति की डार्क स्थिति को बताता है, डिप्रेसिव कंडीशन को बताता है और बिटर कंडीशन को वो शो करता है, क्योंकि वो खुद अच्छे मूड में नहीं है, उसके मूड में उदासी भरी हुई है, इसलिए उसने अपनी उदासी को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए प्रकृति से वो सिंबल लिए जो उदासी को दिखाए। जैसे यहाँ पे कौवा भी एक तरीके से उदासीनता का प्रतीक है और जो जहरीला पेड़ धतूरा है वो भी उदासीनता का प्रतीक है। तो अपने मूड के साथ सिमिलर मूड, यानी कि अपने जैसे मूड को बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए उसने इन दोनों का यूज किया। द पोइट सेज, कवि कहता है, अब कवि किस तरीके से क्या कहता है, आपने पढ़ा था पोइम के अंदर कि जो कवि है एक दिन एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उस दिन बर्फबारी हुई थी तो बर्फ़ के कुछ कण उस पेड़ के ऊपर गिरे हुए थे, उसकी पत्तियों के ऊपर भी बर्फ़ के कण थे और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, तो कुछ बर्फ़ के कण उसके पंखों पर भी गिरे हुए थे। वो कौवा सुबह जब उड़ने को तैयार होता है तो अपने पंखों को हिलाता है और वो बर्फ़ के कण नीचे बैठे हुए कवि पे गिरते हैं। इस छोटी सी घटना ने कवि के दिमाग को चेंज कर दिया था। तो ये वो इंग्लिश में इस प्रकार से है, द पोइट सेज, कवि कहता है, वंस ही वाज इन सैड, कि एक बार वह सैड मूड में था, डिप्रेसिव तनाव के मूड में था, एंड सिटिंग और बैठा हुआ था अंडर ए हेमलक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के नीचे। एक रो, एक कौवा, सिटिंग ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर बैठा हुआ था, एक कौवा उसी पेड़ पर बैठा हुआ था, शुक ऑफ, उसने हिलाकर गिराई,
डस्ट धूल यानी कि कण, कण किसके, स्नो बर्फ के, बर्फ के कणों को अपन कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई डॉट ई का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए। तो उसने क्या गिराई थी, डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, उसको अपन कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो उस कौवे ने हिलाकर बर्फ के जो कण थे वो उसके ऊपर गिरा दिए। दैट रिमेन ऑन द सरफेस, और ये कण रहे थे, रिमेन रहे थे सरफेस सतह के ऊपर, आफ्टर द स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी होने के बाद, बर्फबारी होने के बाद में ये कण उसके उसके सरफेस पे रहे होंगे, पेड़ पे रहे होंगे, उस कौवे पे रहे होंगे। जब उसने अपने पंखों को हिलाया तो वो बर्फ़ के कण कहाँ गिर गए, कवि के ऊपर गिरा दिए उसने। दिस सिंपल एक्शन, अभी छोटा सा एक्शन हुआ उस कौवे के द्वारा, जो बर्फ़ के कण गिराए गए वो एक्शन कोई बड़ा एक्शन नहीं था, वो छोटा सा एक्शन था। उसी एक्शन ने, उसी कार्य ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया पोइट्स मूड, कवि के दिमाग को, कवि के मूड को चेंज कर दिया। कवि डिप्रेसिव मूड में था, अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्यों यहाँ बैठा हुआ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट कि ही हैड जस्ट वेस्टेड, कि उसने केवल वेस्ट किया है, बर्बाद किया है पार्ट ऑफ हिज डे, उसने यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं किया है, केवल अपना दिन ही बर्बाद किया है। रिपेंटिंग, और पछता रहा था। बीइंग लॉस्ट, कि उसने खो दिया इन सोरो दुख के अंदर, और वो दुख में जिसने अपना समय खोया, अपना जो दिन का भाग खो दिया, उसके लिए वो रिपेंट कर रहा था, पछता रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, मैं अपने दिन को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। बट लेकिन द चेंज इन हिज मूड, लेकिन उस कौवे के द्वारा गिराई हुई बर्फ ने क्या कर दिया, उसके मूड में चेंज ला दिया, परिवर्तन ला दिया। रियलाइज को महसूस करवाया, ही शुड यूटिलाइज, कि उसको उपयोग करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, किसका यूटिलाइज करना चाहिए, रेस्ट बचे हुए डे यानी दिन का, इन सम यूजफुल एक्टिविटी, कुछ अच्छे उपयोगी कार्य के अंदर। फिर उसने एहसास किया कि अब मुझे मेरा बचा हुआ जो दिन है, कम से कम मैं तो उसको अच्छे कार्य में लगाऊं। हिज सोरो वाज वाश अवे, अब उसका जो दुख था वो वहाँ से गायब हो गया, वहाँ से जा चुका था। बाय द लाइट शोवर, उस हल्की सी बौछार के द्वारा, स्नो डस्ट, बर्फ की धूल की जो हल्की सी बौछार हुई, उस बौछार से ही उसका जो दुख था वो धुल गया, वाश हो गया वो। हिज स्पिरिट, उसकी जो आत्मा थी, वाज रिवाइव्ड, पुनर्जीवित हो गई, कहने का मतलब एक बार से फिर वो जाग उठी उसकी आत्मा। एंड ही गॉट रेडी, वो तैयार हो गया यूटिलाइज, उपयोग करने के लिए, किसका उपयोग करने के लिए, द रेस्ट, बचे हुए दिन का। तो इस प्रकार से हमें ये कविता सिखाती है कि हमें लाइफ के अंदर कभी निराश नहीं होना चाहिए। पता नहीं हमारे जीवन के अंदर छोटी सी कोई भी घटना हमारी लाइफ को कभी भी किसी भी मोड़ पर ला सकती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवनेस को देखना चाहिए, कभी भी नेगेटिव की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कविता थी जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। थैंक यू।